बरेली की आंवला तहसील पर संपन्न हुए संपूर्ण समाधान दिवस में वैसे तो बहुत से समस्याओं को लेकर बहुत से फरियादी आई, लेकिन उनमें सबसे अधिक जटिल समस्या लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलेनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र की सबसे जटिलतम समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे और बताया कि जिस तरह वर्तमान सरकार जनता को बरगलाने का काम ज्यादा और काम कम कर रही है, आंवला क्षेत्र में जितनी समस्या है जितनी प्रदेश में कम ही है, जबकि यह क्षेत्र दिग्गज लोगों का वर्तमान रह चुका है। सरकार में देहात के मंत्री रह चुके हैं, देहात के विधायक हैं, देहात के सांसद हैं, लेकिन वह ना तो गोरा हेमराज के घाट पर अधूरे बने पुल का निर्माण संपन्न करा पाए हैं, ना क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा को सुधार पाए हैं। गौशाला तो बन गई है लेकिन वह दबंगों के कब्जे के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलता। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आभार, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आभार, पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर उनके परिवार से मिलने का काम हमारे लोग, हमारे कमेटी के लोग, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता लोग किसान परिवारों और नौजवानों से संवाद उन्होंने और बात की। उनकी जो समस्याएं थी इसकी भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, हमारी सरकार आई, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, हमारी सरकार में, लेकिन उन्होंने रोज़गार की कोई बात नहीं की सरकार को। उसी को लेकर लोगों के दिल में दर्द था। किसान परिवार जिस तरीके से आज आवारा पशुओं से की समस्याओं से जूझ रहा है, गौशाला कहीं के निर्माण नहीं से घोषणा की जा रही है, इन्हीं को लेकर उन समस्याओं को सुना था और उसी के संदर्भ में आज अपने तहसील दिवस का ज्ञापन बनाकर उनकी समस्याएं जो हमने मांग पत्र सम्मिलित करके हमने तहसील दिवस अधिकारी को और ये हमारा हमने एक महीने का समय दिया है प्रशासन को। जो हमने समस्याएं किसानों की, नौजवानों की, जो भी समस्याएं उन परिवारों की थी, अगर उनका सही तरीके से समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे, उन सड़कों पर रुकेंगे और संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज़ को नहीं करने दिया जाएगा, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने जो खुले में